मुल्क में टिड्डी दल की यलहार, चारों सूबों में सूरत हाल खराब होने का खदशा है। NDMA के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 60 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब में 10, सिंध के 10 अजला मुतासर हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में 1127 टीमें लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में शरीक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,90,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। जुमेरात को सादिकाबाद में टिड्डी दल ने भूम, नवाजाबाद चौक, माही चौक, रहीमाबाद और शहबाजपुर के इलाकों को निशाना बनाया, जिससे आम के बागात मुतासर हुए, काश्त शुदा फसलों को भी नुकसान पहुंचा। प्रोजान में टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिससे कपास, गन्ने, सब्जियों समेत दीगर फसलें तबाह हो गयी। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डियों को भगाने में मसरूफ रहे। जामपुर में भी टिड्डियों ने यलगार की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि कोरोना के साथ साथ टिड्डी दल का चैलेंज भी दरपेश है। अफसोस, मौजूदा हालात में अपोजिशन सियासत के टिड्डी दल का किरदार अदा कर रही है। कोयटा के नवाही इलाके दश्त में भी टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुँचाया, जिससे जमींदारों की परेशानी में इजाफा हो गया।